अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के लीची बागान में थे और सभी को पता है कि बिहार का मुजफ्फरपुर में लीची कितना फेमस है। तो हम लोग अभी बागान में थे, ये बागान कई एकड़ में फैला हुआ है। हमारे साथ यहाँ बागान के जो है सो ऑनर भी हैं, तो इनसे हम जानेंगे कुछ लीची के बारे में। तो भैया सबसे पहले अपना नाम जानना। मेरा नाम हुआ मुन्ना यादव, मेरा घर हुआ सदलापुर टू में और यहाँ पर हम लोग अभी सिमरी में हैं। सिमरी का लीची विख्यात है, जाना जाता है। वैसे मुजफ्फरपुर में पूरे जगह लीची विख्यात है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो प्रकार का लीची किया जाता है, फर्स्ट में हुआ है शाही और सेकेंड है चाइना। शाही जनवरी में इसका मोजा जाता है और वो जो चाइना जो है ना, इसका शाही का दिसंबर में आता है और चाइना का जनवरी में आता है। तो अभी जो हम लोग खड़ा हुए हैं, इस पूरे बागान में चाइना लीची बचा हुआ है, शाही खत्म हो चुका है। देखिए शाही ज़्यादा मीठा होता है लेकिन चाइना जो है थोड़ा सा खट्टापन होता है। अभी यहाँ पर इस प्रकार का लीची अभी हमारे यहाँ पर बचा हुआ है, बस यही। शाही खट्टापन होता है, शाही मीठा होता है, चाइना थोड़ा सा खट्टापन होता है। तो ये लीची कितना दिन में से जो फल जो होता है तो वो फट जाता है? Actually, कैसे फटने लगता है? ज़्यादा धूप होने की वजह से और पौधे में पानी नहीं दीजिएगा तो लीची फट जाएगा। और लीची का पेड़ का कैसे उसको देखभाल कैसे? सबसे पहले तो ये मोजर में आता है, मोजर के लिए एक मेडिसिन आता है जिसका सिर्फ छिड़काव किया जाता है, नहीं तो उस टाइम में क्या होता है कि मोजर में आता है बट पूरा मोजर जो होता है झड़ के गिर जाता है। अब मोजर आने के बाद क्या होता है कि उस पर छिड़काव कीटनाशक का करते हैं हम लोग, फिर वो फल के रूप में आता है। फल के रूप में जैसे ही आता है, एक पानी हम लोग देते हैं सबसे पहले, पानी देने के बाद फिर से उस पर कीटनाशक का छिड़काव होता है। फिर वो क्या कहते हैं कि एक लाली आता है उसमें, मतलब थोड़ा थोड़ा लाली के टाइप में आता है, हाँ लीची में आता है, लाली जैसे ही आता है फिर उस पर एक छिड़काव किया जाता है। उसके बाद वो फल के रूप में जैसे ही आ जाता है, पूरा पक जाता है, तो अभी आप देख ही रहे हैं पक गया, टूट रहा है लीची। तो अगर इसको अभी तो उतना नहीं फटा है लेकिन अगर कुछ दिन छोड़ दिया, कुछ दिन छोड़िएगा तो पूरा फट जाएगा, पूरा फट जाएगा। एक बारिश हो जाए, अभी बारिश होगा, जैसे ही बारिश हो जाएगा ना अभी, तो जड़ में पानी जाएगा, पानी जाने की वजह से भी लीची फट जाता है। अच्छा, तो आप लोग जो जैसे ये सब जो है सो पैक करके भेजते हैं बाहर? ये तो जैसे कि अपना मुजफ्फरपुर का लीची पूरे वर्ल्ड में जाता है, पूरे मुजफ्फरपुर का लीची जो है पूरे वर्ल्ड में जाता है। यहाँ से अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान, चीन में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वहाँ पर लीची होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर का लीची इतना फेमस है कि चीन बड़ा भी उसका मांग करता है कि हमको लीची चाहिए मुजफ्फरपुर का। तो यहाँ से कैसे भेजते हैं? जैसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की वजह से, जैसे विदेश में जाता है तो ये फ्लाइट वगैरह के माध्यम से जाता है। डील कैसे होता है यहाँ से? डील यहाँ पर देखिए एक ये दलाल टाइप का रहता है, वो बीच में, हाँ बीच में रहता है, वो हम लोग से खरीदता है, वही अपना वहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह करवाता है। हम लोग क्या, हम लोग किसान हैं, यहाँ पर आकर के लीची खरीदते हैं, उससे ले जाता है। तो आप लोग जैसे किसी से कांटेक्ट करते हैं कि लीची जैसे बगान है? बहुत सारा यहाँ पर जब लीची का मौसम आ जाता है ना, तो बहुत सारा दलाल घूमते हैं, अब आपके पास खुद ही आएंगे वो लीची के लिए कि भैया हमको लीची चाहिए। अच्छा। तो अभी 150 रुपये 175 का ये सैकड़ा चल रहा है, तो सैकड़ा मतलब 100। हाँ, तो कि बिहार में बहुत सारे जगह पे जैसे आप चले जाइएगा, जैसे आपको बलिया हो गया, बेगूसराय, पूर्णिया की तरफ हर जगह लीची है, बहुत जगह पे, पहले मेरी बात सुन लीजिए, तो बहुत जगह पे आप जाइएगा जैसे बलिया, बेगूसराय, पूर्णिया की तरफ, तो वहाँ किलो पे भी लीची मिलता है, आपको पता होगा। किलो पे लीची मिलता है? नहीं ये बात हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर में यहाँ पर सैकड़ा के हिसाब से, हाँ मुजफ्फरपुर में सैकड़ा के अनुसार मिलता है। और सबसे ज़्यादा लीची में ज़रूरत होता है पानी, ना तो ज़्यादा देना है और ना ही कम देना है, ज़्यादा दीजिएगा लीची फट जाएगा। अच्छा, इसको आड़ी बनाया भी जाता है ना? हाँ। और इसमें कुछ जो ऐसे गोबर वगैरह का भी खाद उद का कुछ इसमें मात्रा दिया जाता है? जैविक खाद वगैरह दिया जाता है। हाँ। जो हमारे गाय भैंस के गोबर से बनती है जैविक खाद। हाँ। वो उसी के बारे में बोले थे। अच्छा, कीटनाशक का जो छिड़काव होता है कैसे कैसे किया जाता है, कितना दिनों पर किया जाता है? देखिए मोजर में आता है, उसके बाद हम बताए ना अभी आपको पूरा प्रोसेस, मोजर में आने के बाद एक छिड़काव होता है, जब फल में आ जाता है तो एक छिड़काव होता है, दो छिड़काव इसमें किया जाता है एक्चुअली। उसके बाद जैसे कीड़ा वगैरह फिर भी तो थोड़ा मोड़ा लग ही जाता है? कीड़ा लगने का एक मुख्य स्रोत ये भी होता है कि पानी समय से नहीं देना और पहला छिड़काव लेट से करना, जब फर्स्ट छिड़काव जो होता है लेट से करने पर कीड़ा ऑटोमेटिक आ जाता है इसमें। अच्छा, तो ये बागान में कितना सर आप लोग लीची लगाए हुए हैं? इसे पूरा लीची का ही बागान है और हमारे बागान का एक और ऑनर है ऋतिक सिंह राजपूत, जो कि वहाँ पर खड़े हुए। आइए सर, हेलो, कम हियर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। एक्चुअली बोला जाता है कि राजपूत और यादव में कभी पटता नहीं है, एक ऐसा एग्जांपल है कि हम दोनों एक ऐसा दोस्त है। क्या नाम है बचपन से? मेरा नाम ऋतिक कुमार हुआ। अच्छा, तो लीची के बागान के बारे में कुछ बताइए। लीची के बागान के बारे में हम इसमें यही जानकारी जो ये बताए हैं उससे हटके थोड़ा बताइए। देखिए लीची जो है ना हमारे मुजफ्फरपुर में तो फेमस है, सभी जानते हैं और नामी गामी से जाना जाता है। और हमारा सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो देखा जाए तो सिंचाई है। सिंचाई इसमें जितना ज़्यादा पानी दीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर माना जाता है लीची के फल में भी बढ़ोतरी आता है, मिठासपन होता है, पानी आता है। दो वैरायटी का लीची होता है, जो शाही और चाइना। तो इससे इसमें से ज़्यादा हम क्या बताएं आपको। अच्छा चलिए ठीक है।
बाकी आप लोग अगर जानते होंगे तो बहुत सारे जगहों बिहार में अलग अलग जिलों में जो है सो किलो पे भी लीची मिलता है, और बाकी इसके पीछे का क्या कारण है वो हमें नहीं पता है। भाई साहब से भी पूछे हैं तो बोले कि इन्हें भी नहीं पता है। कभी होगा तो उस जगहों पे हम लोग जाएंगे, जिले में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे उन चीज़ों को और क्या है उसके पीछे का कारण, ये जानने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारा ये वीडियो था, भैया लोग थे।